अगर हम आईने पाकिस्तान की बात करते हैं, उसके अंदर तो काफी प्रोटेक्ट किया गया, आइदर इट्स जुडिशरी और पाकिस्तान आर्मी, सो हाउ डू यू सी इट ऑन इट? देखें, मैं आपकी जो सारी गुफ्तगू है, मैंने आप जो भी कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ। जी सर, कल आज टीवी पे जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू दिया है रहमान अजहर साहब को, ठीक है? जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के साबिक सदर हैं, पाकिस्तान की फौज के साबिक सरबराह हैं। उन्होंने ये दावा किया है अपने इंटरव्यू में कि ये जो खबर डॉन में छपी थी, तो ये जनरल साहब ने अपनी इंफॉर्मेशन बताई है। उन्होंने कहा जी कि ये मरियम नवाज ने सिरिल एलमिडा को 6-7 दफा फोन किया है और उसने ये खबर लगवाई है। अच्छा। ठीक है जी। अब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तानी फौज के साबिक सरबराह हैं और यकीनन अगर वो दुबई में या लंदन में बैठ के दावा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनका कोई ना कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो आप अगर आर्टिकल 5 की बात कर रही हैं, तो आर्टिकल 5 जो है वो परवेज मुशर्रफ पे लागू होता है, हालांकि आर्टिकल 6 उन पे लागू नहीं हो सका। तो आर्टिकल 5 के तहत मैं भी पाबंद हूँ, आप भी पाबंद है, परवेज मुशर्रफ भी पाबंद है। वो पाकिस्तान आए और इस कमेटी के सामने पेश होकर बताएं कि उनका क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि मरियम नवाज ने 6-7 दफा फोन किया है सिरिल एलमिडा को और ये खबर लगवाई है। मसला हल हो जाएगा, आपकी और मेरी जो है बहस है, इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी।